और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां बिहार से बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा है। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में बिहार से बड़ी खबर है, जहां नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये तय हो चुका है कि सीएम पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। बिहार से बड़ी खबर, इस वक्त की सियासी जो हलचल है वहां बहुत तेज है, देखने को मिल सकती है। और जो तत्काल की बात की जाए तो सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए वह राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। बता दें कि ये जो पूरा मामला है, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की कोशिशें अब तेज हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही हो सकता है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगातार अपने नेताओं और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि नीतीश और लालू के बीच जो गठबंधन था वो अब टूट चुका है और कयास है कि बीजेपी में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं, नई सरकार का गठन हो सकता है और ये आज ही संभव है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने है।